बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शाद रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। आज जो हम रेसिपी लेकर हाजिर हो गए हैं, कमाल की रेसिपी। सिर्फ और सिर्फ मैदे से हम जो है बर्फ़ी तैयार करेंगे। ऐसी लजीज बर्फ़ी कि आपने मिठाई की दुकान पर भी क्या खाई होगी। तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इस रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 1 कप घी ले लिया है। देसी घी ले लें या डालडा का घी ले लें। देसी घी में पका लें तो क्या ही बात है। घी ले लिया है हमने। अब सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई के अंदर घी शामिल कर देंगे और घी की थोड़ी सी आपने पकाई करनी है, और ताकि जो घी का हमारा कच्चापन है वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें 1.5 कप मैदा, ये देखिए जी, मेरे पास 1.5 कप मैदा है। ये 1 कप मैदा मैं सबसे पहले ऐड कर दूँगा। मैदा आपने बिल्कुल इस तरह ही ऐड कर देना है, और कोई टेंशन नहीं लेनी आपने कि इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। बस आपने इसको नॉर्मल चमचा हिलाते रहना है, कोई गुठली नहीं बनेगी इसमें, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। और ये 1/2 कप जो मैदा है ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगा। ये देखिए जी, अब इसकी मैंने अच्छी तरह पकाई करनी। जो सारी गेम है हमारी बर्फ़ी की, वो सारी गेम यहाँ पर है कि सिर्फ हमने इसकी अच्छी तरह पकाई और भुनाई हमने अच्छी तरह से करनी है। यहाँ पे हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर हम यहाँ पे हम इसकी पर जो हमारी ये बर्फ़ी तैयार हो रही है, यहाँ पे हम इसकी मैदे की अच्छी तरह पकाई नहीं करेंगे तो ये बर्फ़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। फिर जी, ये हमारे पास है मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, ये आप ऐड कर सकते हैं। अगर है आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भले ना ऐड करें, कोई मसले की बात नहीं है। ये मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर दूँगा और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर आप इसमें ऐड कर लीजिएगा और इसको हम अच्छी तरह से फिर 2 मिनट देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। ये देखिए जी, भुनाई हम इसकी VIP से करेंगे ताकि बिल्कुल इसका जो कच्चा बने। ये देखिए जी, 2-3 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगा। अभी हमारी बर्फ़ी रेडी नहीं हुई, अभी आपने इसको सबसे पहले बॉल में निकाल लेना है। बॉल में ये देखिए, इस तरह से बॉल में आपने निकाल लेना है। कुछ इस फॉर्म के अंदर हमारी ये जो बर्फ़ी है, कितना खूबसूरत कलर हो गया इसका। और इस कंडीशन में आके आपने क्या करना जी, आपने चीनी ले लेनी है। पिसी हुई चीनी आपने ले लेनी है। ये देखिए जी, बाबा 1 कप पिसी हुई चीनी है। और चीनी इस टाइम पर मिक्स करने की क्या ख़ास बात है, इस टाइम पर ये ठंडा हो चुका है, मैंने इसको ठंडा कर लिया है और रूम टेम्परेचर पर रहे। अब इसमें हम चीनी पिसी हुई ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दानेदार हम बर्फ़ी तैयार करेंगे। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह आपने इसको मिक्स करना है। और जो बाकी बची हुई चीनी है हम ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें जी, पूरा एक जो हमारा प्याली है इसको हम ऐड कर देंगे अपनी चीनी। ये देखें जी, और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ चाहें तो आप इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, इसमें पिसा हुआ खोपरा आप ऐड कर सकते हैं अगर आप इसको पे इसको और बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ कुछ ऐड नहीं करूँगा, बिल्कुल सिंपल सी बर्फ़ी बनाऊँगा मैं इसको। अब आपने क्या करना है, किसी भी सांचे में अगर जिस डिज़ाइन का आपने बनाना है, मैं ये नॉर्मल प्लेट ले लूँगा और इसमें बाद में इसकी कटिंग कर लूँगा। अब मैं सारा ये जो हमारा जो बर्फ़ी तैयार हो चुकी है ये आपने इस तरह निकाल देना है इसमें, और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने या बाहर रख देना है इसको या फ्रिज में रख देना है। ये हमारी जो बर्फ़ी है बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये बर्फ़ी को मैं फ्रिज में रख देता हूँ और तकरीबन 1/2 घंटे के बाद ये हमारी बर्फ़ी जम चुकी होगी, फिर मैं आपसे मिलता हूँ 1/2 घंटे बाद। ये देखिए जी, 1/2 घंटा यहाँ पर हो चुका है और हमारी बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, जम चुकी है हमारी बर्फ़ी। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप जिस तरह चाहें उस तरह की कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए जी, मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ पहले। चलें जी, ये देखिए जी, कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर बादाम है, ये हम बादाम इस तरह से लगा देते हैं इस पर। ये देखिए जी, कितनी खूबसूरत और लजीज हमारी जो बर्फ़ी है वो तैयार हो चुकी है, और ये बेहतरीन कलर, बेहतरीन जायका इसका, और ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारी जो बर्फ़ी है ये बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए, वीडियो को किसी ना किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने गिर्दोनवा में लोगों का ख्याल रखें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।